बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे कैमूर की, यहां से बड़ी खबर आ रही है नाबालिग से गैंगरेप के मामले में कुछ अपडेट्स है वो हम आपको बता दें। नाराज लोगों ने यहां पर जबरदस्त हंगामा किया है, बीच सड़क पर आगजनी की है, कई वाहनों में आग लगा दी है। डीएम और डीएसपी मौके पर पहुंचे हैं, भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है हालात को काबू में करने के लिए। तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है गैंगरेप की इस वारदात को लेकर, कई वाहनों में आक्रोशित लोगों ने आग लगा दी, बीच सड़क पर आगजनी की जा रही है, हंगामा प्रदर्शन किया जा रहा है। हालात इतने खराब हो गए कि मौके पर डीएम डीएसपी को खुद पहुंचना पड़ा और भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। तस्वीरें देखिए आप, जीवी आर झारखंड आपको सबसे पहले ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, किस तरह से लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, आक्रोश है। मुकुल हमारे जी मीडिया संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकुल, क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास, फिलहाल हालात क्या है, लोगों का क्या कहना है? ये अभी लोगों का कहना है कि जो भी लड़के कल काम किए हैं उस लड़की के, नाबालिग लड़की के साथ, उनको तत्काल गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाए। लेकिन अभी अभी तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक अभी पकड़ से बाहर है और गाड़ी भी बरामद हो गई है जिस गाड़ी में लड़की के साथ गलत काम किया गया था। अब वीडियो वायरल होने के बाद लोग आक्रोशित है और मौके पर यहाँ डीएम कैमूर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, भगवा एसडीएम जन्मजय शुक्ला और मोहनिया डीएसपी रघुनाथ प्रसाद पहुंचे हुए हैं। काफी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और यहाँ पे दंगा नियंत्रण वगैरह वाहन सब पहुंच गया है। लगातार इन लोग यहाँ पे अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम लगातार इस बात की घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कि वैसे दोषियों को उसके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए तत्काल फांसी दिया जाए। जी चलिए मुकुल, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, मौके की ये तस्वीर, किस तरह से उबाल है लोगों में, गुस्सा है, आक्रोश है गैंगरेप की इस वारदात को लेकर। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी दोषी हैं, जो भी दुष्कर्मी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। देखिए जिलाधिकारी साहब भी यहां पर मौके पर पहुंच गए हैं, डीएसपी साहब भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, हालात को काबू में करने की कोशिश लगातार जारी है और लोगों से अपील की जा रही है कि हालात को और खराब ना करें, कानून अपना काम कर रहा है, जो भी दोषी हैं वो जल्द ही कानून की गिरफ्त में होंगे, पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तीन आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं जबकि एक की तलाश अभी भी जारी है। तो लोगों में जबरदस्त आक्रोश, गुस्सा और आक्रोश की आग तस्वीरों में देख सकते हैं आप। एक तरफ पथराव किया गया पुलिस की गाड़ियों पर भी, काफी तादाद में यहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोगों को लगातार काबू में करने की कोशिश की जा रही है, हालात को नियंत्रण में लेने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कैसे यहां पर कई गाड़ियों को स्थानीय लोगों ने, आक्रोशित लोगों ने फूंक डाला, आगजनी की गई है, तोड़फोड़ मचाई गई है, कई वाहनों में आग लगा दी गई है आक्रोशित लोगों के द्वारा। डीएम और डीएसपी मौके पर खुद मौजूद हैं और भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात है। लोगों को समझाने बुझाने की भी कवायद चल रही है, लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि कानून को हाथ में ना ले और जो भी दोषी है इस पूरे मामले में गैंगरेप की इस वारदात में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जो भी दोषी है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि इलाके का लोगों का कहना है, जो आक्रोशित लोग हैं उनका कहना है कि जो भी दुष्कर्मी है उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो कैमूर से गैंगरेप की ये वारदात सामने आई थी, नाबालिग से गैंगरेप किया गया, अब इस मामले ने और विकराल रूप ले लिया कह सकते हैं, क्योंकि गुस्से की आग यहां पर इलाके के लोगों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लोगों में काफी रोष, काफी आक्रोश, गुस्सा है, उबाल है। नतीजतन आज लोग सड़कों पर उतर करके हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरह से गाड़ियों को निशाना बनाया है गुस्साए लोगों ने और दूसरी तस्वीर आप देखिए कैसे आगजनी की गई है, कई गाड़ियों को फूंक डाला गया, आग के हवाले कर दिया गया।